अगर आपने भी इस तरीके का साउंड्स का ईयरफोन क्लिनिक पेन जो है ऑनलाइन बिकते हुए देखा है, आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, जानना चाहते हैं किस तरीके की इसकी क्वालिटी रहती है या क्या ये यूजफुल है या नहीं, तो इस वीडियो में इस डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब जल्दी से पहले बात कर लेते हैं बॉक्स डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास बताया नहीं गया है, साइड में बता रखा है कि तीन कलर में अवेलेबल होना चाहिए, हालांकि ऑनलाइन में एक ही कलर अवेलेबल है। बैक साइड में कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टिकर लगा के यहाँ पे जो ब्रांडिंग कर रखी है, साउंड्स 3-in-1 ईयरबड्स क्लीनिंग किट फॉर ईयरपॉड्स, 999 प्राइस बता रखा है, और हालांकि इसे काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस क्लीनिंग पेन के बारे में। अगर मैं ऊपर का सबसे पहला वाला बटन प्रेस करूँ तो यहाँ पे जो है आपको एक सॉफ्ट ब्रिसल वाला जो है ब्रश मिल जाएगा, काफ़ी सॉफ्ट है, छूने से मेरे को पता लग रहा है। बेसिकली अगर आपके जो डेस्कटॉप वाले कीबोर्ड हो या फिर अगर आपके लैपटॉप के हो, चाहे विंडोज़ का हो चाहे आपका एप्पल का हो, उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी जो है अच्छा रहने वाला है। आपको पास से दिखा देता हूँ तो आप जो है फील कर पाएंगे, इसकी ब्रिसल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मेन इंपॉर्टेंट है जो अदर टू साइड में दे रखे हैं, जो कि हमारे ईयरपॉड्स वगैरह की क्लीनिंग के लिए या फिर कोई और भी अगर आपका TWS हो या ईयरबड हो उसकी क्लीनिंग के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं ये लेफ्ट साइड वाला ब्रश निकालूं तो अगर आप इसको पूरा निकालने के बाद देखूं तो आप इसकी लेंथ यहाँ पे जो है समझ पाएंगे, ये मेरे एक उंगली के बराबर का इतना है, आधी उंगली के बराबर का यहाँ पे है। ये बेसिकली सॉफ्ट फ्लॉकिंग स्पंज टाइप का ब्रश है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आपको फिर इसको पास से दिखा दूँ तो आप एक बार जज कर लीजिए, तो काफ़ी ये अच्छा है, सॉफ्ट है। इसका बेसिकली काम होने वाला ये कि अगर मैं अपना जो है आपको ईयरपॉड्स प्रो दिखा दूं, तो इस तरीके का मेरा ईयरपॉड्स प्रो है, इसको अगर खोलूं तो अगर इसमें कभी भी अंदर की साइड अगर जो है डस्ट वगैरह आ जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बहुत बार या तो कभी लेफ्ट वाले या तो राइट वाले जो है जो इसके पेयर होते नहीं हैं काम करना बंद कर देते हैं। उसका बेसिकली रीज़न कई बार ऐसा होता है कि अंदर जो उसके टर्मिनल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पाए कॉपर वाले टर्मिनल्स लगे होते हैं चार्जिंग के लिए, उनसे कई बार जो होता है जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं हो पाती है, उनके टर्मिनल्स में डस्ट बैठ जाती है, दाना आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है कंडक्टिविटी ना होने की वजह से हो सकता है कई बार लेफ्ट वाला डिस्चार्ज हो जाए, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, पेयरिंग की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो उसी के लिए क्लीनिंग के लिए ये है कि अगर आप जो है डेप्थ में अगर इस तरीके से अंदर से साफ करना चाहें तो इस तरीके से आप इसके अंदर डाल के इसे ऐसे रब करके क्लीन कर सकते हैं, तो बहुत छोटी छोटी जो डस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली इसमें जो है चिपक के आ जाएगी। वैसे ही दूसरी साइड का क्लीन कर सकते हैं। हालांकि मेरा जो है ये वाला अभी ईयरपॉड जो है साफ है, मैंने वीडियो बनाने से पहले इसको टेस्ट करके देख लिया था, तो मैंने इससे जो है ऑलरेडी इसे साफ कर चुका हूँ, इसलिए आपको इतना नीट एंड क्लीन लगेगा। तो आपको सिर्फ पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से जो है इसकी परफेक्ट फिटिंग बैठती है, आप देख सकते हैं। आप इसे बस अंदर ऐसे राउंड करके घुमा के पूरी डस्ट ऐसे बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। अब जो है इसको बंद करके दूसरे वाले ब्रिसल को निकाल देता हूँ। तो ये वाला जो है मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी यूज़ करके देख चुका हूँ, तो ये वाला जो ब्रश टाइप होता है इसे बोलते हैं हाई डेंसिटी ब्रश। तो ये वाला मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगा, पूरे किट में जो है सारे, चाहे सॉफ्ट ब्रिसल का हो चाहे या फिर ये जो है फ्लॉकिंग स्पंज टाइप वाला हो, इनमें मेरे को सबसे यूजफुल जो है ये वाला लगा। इसमें हालांकि दो हैं, एक टिप वाला है, जैसे हमारा फाउंटेन पेन की टिप होती थी हमारे, अगर आप स्कूलिंग टाइम में आपको याद हो तो इस तरीके से हम पेन वाले से लिखते थे इंक में डुबा के, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है। इसका काम बेसिकली है कि अगर आपको कुछ हटा के ऐसे खुरेद के निकालना हो, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आपको जो है किसी चीज़ से, शार्प चीज़ से निकालना चाहिए, उस चीज़ के लिए लगा हुआ है। सबसे मेन जो मेरे को अट्रैक्टिव लगी वो है ये वाला हाई डेंसिटी ब्रश वाला, ये काफ़ी डेंस है। पास से अगर आपको दिखाऊँ तो आप समझ सकते हैं कि इससे काफ़ी अच्छे से डस्ट की क्लीनिंग होगी। कहाँ करनी है वो आपको जल्दी से अब करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं अपना ईयरपॉड अगर आपको पास से दिखाऊं तो इसमें इस तरीके के जहाँ पे जितने भी छोटी छोटी जाली होते हैं, डॉट होते हैं, इनको आप जनरली जो है ज़्यादा थिक वाले ब्रशेज से कर नहीं सकते, तो उस केस में बहुत यूजफुल है। आप चाहें तो इसे या तो ऐसे पंच करके जो है पहले होल्स को ओपन कर सकते हैं और उसके ऊपर इसे रब करके जो है इस तरीके से हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके की इसका जो है यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए इसकी फ्रंट वाली भी है, तो अगर उसकी टिप को भी अगर मैं यूं करके हटा दूं यहाँ से, अगर यहाँ पे कोई गंदगी वगैरह है तो इससे मैं इस तरीके से इसे हल्के से बिल्कुल साफ़ कर सकता हूँ। और अगर इसके पोर्स वगैरह भी अगर जो है बंद हो गए हैं तो उसको क्लीनिंग करने के लिए भी ये वाला ब्रश काफ़ी आइडियल है। इस तरीके से मैं इसे साफ करके अच्छे से कर सकता हूँ। वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में, तो क्या मैं आपको रेकमेंड करूँगा या नहीं करूँगा। तो मेरा इसमें फीडबैक है, यस मैं आपको रेकमेंड करूँगा। अगर आपको एक चीप रीजनेबल प्राइस में ये मिले तो आप बिल्कुल जो है इसे जो है आप परचेज़ कीजिए। अपने इस तरीके के महंगे गैजेट के जो है क्लीनिंग करके, उनकी जो है मेंटेनेंस करके जो है उम्र जो है थोड़ी लंबी बढ़ा सकते हैं, आपको बिल्कुल रेकमेंड करूँगा। अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड फिर भी आपके कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।